नमस्कार, किरण माहेश्वरी कुकिंग एक्सपर्ट .com में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काजू से बनी मैसूर पाक की रेसिपी। काजू मैसूर पाक खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और एक यूनिक रेसिपी है ये। काजू मैसूर पाक बनाने के लिए आप 1.5 कप काजू ले लें। अब एक ग्राइंडर जार लें, इसमें इन काजुओं को डाल दें और इन्हें बिल्कुल बारीक पीस लें। पीसते समय आप पल्स को रोक रोक कर पीसें। मैंने काजू का बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया, आप देख सकते हैं। अब आप काजू मैसूर पाक बनाने के लिए 2 से 2.5 कप घी ले लें। घी को गर्म होने के लिए रख दें, घी को अच्छा गर्म होने दें। आप चाहें तो डालडा में भी बना सकते हैं या ऑयल में भी बना सकते हैं। घी गर्म हो रहा है जब तक आप एक मिक्सिंग बाउल ले लें, उसमें ये पिसा हुआ काजू डाल दें। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब आप थोड़ा थोड़ा घी लें गर्म वाला और इसमें काजू वाले बूरे में डालें और इसे मिक्स करते जाएं। एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालें और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। काजू घी के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इससे ज़्यादा घी नहीं डालना इसमें, इसे आप साइड में रख दें। अब आप घी को दूसरे वाले गैस पे रख दें और गैस को सिम कर दें। अब दूसरे गैस पे आप एक कढ़ाई रखें, उसमें 2 कप शक्कर डाल दें। जितनी शक्कर है उसका आधा पानी डालना है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए एक उबाल लाएं। मैसूर पाक 3 तरह से बनाया जाता है। बेसन का भी मैसूर पाक बनता है, काजू का बनता है जो मैं आपको आज बनाना बता रही हूँ, और इसके अलावा एक नारियल का भी मैसूर पाक बनता है। चाशनी में अच्छे से उबाल आ चुका है, आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए उबालें। कम से कम अब 3 से 4 मिनट के लिए इसे बॉईल होने दें। एक तार की चाशनी बनानी है इसकी। चाशनी को उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छी चिपचिपी हो चुकी है, मतलब एक तार बन चुका है इसमें। अगर आप अंगुली और अंगूठे के बीच में लेके देखोगे ना तो ये कंप्लीट एक तार बनना चाहिए। यहाँ आप स्पेचुला से भी चेक कर सकते हैं, आप लास्ट ड्रॉप को देखें, वो एकदम लंबे तार की तरह खींचकर नीचे आ रहा है। चाशनी बन चुकी है, अब आप गैस को कम कर दें। अब ये तैयार काजू वाला पेस्ट धीरे धीरे इसमें डालें और कंटिन्यू चलाते रहें। मैंने सारा काजू का पेस्ट चाशनी में ले लिया है, अब आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए 1 मिनट के लिए पकाएं। ध्यान रहे आप इसे कंटिन्यू चलाएं, कुछ सेकंड के लिए भी हाथ हिलाना बंद ना करें। काजू को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े बबल्स आने लग चुके हैं। अब आप इसमें 1-1 चम्मच जितना घी डालें, गर्म घी डालें, जो बचा हुआ घी था ना दूसरे गैस पे, वो घी डालें और इसे कंटिन्यू चलाते रहें। फिर से इसमें घी डालें और इसे कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करें। बहुत ही बढ़िया काजू मैसूर पाक बनता है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल नई रेसिपी है ये, आप एक बार ज़रूर बनाएं। आपका मैसूर पाक कैसा बना ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर से इसमें घी डालें और इसे कंटिन्यू चलाते रहें। गैस को आप सिम रखें, इसी तरह थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएं। मैसूर पाक फूलना शुरू हो चुका है, अभी जैसे ही मैं घी डाल रही हूँ ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन जब तक ये घी हमें डालना तब तक ये वापस घी रिलीज ना करें। और आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए ये काम करें, आप देख सकते हैं मैसूर पाक में अच्छी जाली पड़ने लग चुकी है और फिर से घी भी रिलीज होने लग चुका है। आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें, बस ये बनने में है। देखिए पूरा घी रिलीज हो चुका है, अब आप गैस को बंद कर दें। अब आप जिसमें मैसूर पाक बनाना चाहते हैं उसे तेल से ग्रीस कर लें और ये तुरंत उसमें डाल दें। थाली में मैंने इसलिए रखा है ताकि कोई भी इसमें घी गिरेगा तो थाली में ही आएगा। पूरा आप इसमें डाल लें और इसे हल्का सा सेट कर दें। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाल रही हूँ, जो भी आप डालना चाहते हैं अभी गरम गरम पे ही डालें ताकि इस पे अच्छे से सेट हो जाए। काजू मैसूर पाक हल्की सी ठंडी हुई है, अभी बहुत गर्म है, इसी समय आप कट लगा दें। आप अपने मनचाहे आकार में इस पे कट लगा दें। मैंने पूरे पे कट लगा दिया है, अब आप इसे ऐसे ही छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए। अब आप ट्रे को एक साइड से पकड़ लें और इसे हल्का सा तिरछा कर दें
ताकि इसमें एक्स्ट्रा घी होगा तो निकल जाएगा बाहर। काजू मैसूर पाक अच्छे से ठंडी हो चुकी है, अब मैं आपको निकाल के बताती हूँ। पहली लाइन को आप सावधानी से निकालें क्योंकि हल्का सा तो चूरा होगा इसमें, उसके बाद में सारे आसानी से निकल आएगी। देखिए परफेक्ट कलर और परफेक्ट जाली आई है, आप खुद देख सकते हैं। इसी तरह आप निकाल कर प्लेट में रखें। मैंने एक लाइन निकाल ली है, अब मैं आपको निकाल के बताती हूँ। अब बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है, देखिए हर एक पीस में कितनी अच्छी जाली आई और परफेक्ट कलर आया। इसी तरह आप निकालें और सारी को प्लेट में रखें। मैंने सारे पीसेस को प्लेट में निकाल लिया, हर एक की जाली और हर एक का कलर आप देख सकते हैं। बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ये काजू मैसूर पाक, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बनती है एकदम, आप देख सकते हैं अंदर तक कितनी परफेक्ट जाली है।